हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वीटीवी जीजी में आप सभी का वेलकम है। तो गाइस, जो मेरा है ना, मैंने नाश्ता सुबह का बना लिया। मॉर्निंग का नाश्ता बन गया है और मतलब ब्रेकफास्ट बन गया। ब्रेकफास्ट में मैंने आज बनाया है चाय, तो सभी बनाते चाय बनाया है। एंड सूखे आलू बनाए हैं, ये मैंने सूखे आलू बनाए हैं। और सूखे आलू के साथ में थोड़ा सा बथुए का रायता बनाया है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब आलू की पूड़ी हो, आलू की कचौड़ी हो, या फिर बथुए की कचौड़ी हो, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड थोड़ी सी खीर भी बनाई है। ये मैंने खीर बनाई, खीर बहुत टेस्टी मुझे लगती है। मतलब इलायची वगैरह डाल के ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी खीर लगती है मुझे। ये सभी को बहुत अच्छी लगती है जब खीर बनती है। और पूड़ी बनाई है, तो चलिए अब आप भी आ जाइए नाश्ता करने। मैं अपनी प्लेट्स लगा दी, आप भी आ जाइए। तो ये रहा मेरा थाली, इसमें मैंने दो रखी है पूड़ी बथुए वाली, और रायता, आलू, और ये दो कफ चाय। तो चलिए चलते हैं नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता तैयार है। यानू, आपको क्या खाना है? थोड़ा सा खा लो कुछ। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग बोलो। चलो बताओ कैसा लगा। गुड मॉर्निंग बोलो बेटा जी, अच्छे से। तो लाइक करो। यस, इसको हन्नी कराना है आपको। अच्छा है आपका टेडी। आ रहे हैं, दूध आ गया। तो पहले आ गया है दूध, दूध ले लेते हैं। क्या लाए हो? इधर से दिखा दो आगे, इधर से आओ। इधर दिखाओ आगे, आप चीज लेके आई है, और इनकी चीज में निकला है गिफ्ट। गिफ्ट निकला है, ये सुबह ही मैंने इनको नहला दिया था, करीब 8 बजे इनको नहला दिया था। और आज सुबह ही करीब मॉर्निंग में मैं 5 बजे उठती हूँ, तो उसी टाइम उठी थी और जल्दी जल्दी से नाश्ता बन गया था मेरा। ब्रेकफास्ट मैंने बहुत कुछ बनाया, तो मैं हो लेती हूँ तैयार, क्योंकि कॉन्ग तो मैंने कर लिया था सुबह ही, लेकिन दोबारा फिर कर लेती हूँ, क्योंकि कॉन्ग करके मेकअप करना अच्छा लगता है। मैं पहले ही थोड़ा सा कर लिया था, बाल बहुत बिखरे हुए थे, आप शुरुआत में देख सक रहे थे। तो सुबह का जो इतना काम होता है, तो सुबह सुबह इतना सब कुछ नहीं हो पाता कि हाँ तैयार भी हो पाओ और घर का पूरा काम हो पाए, ऐसा नहीं हो पाता है। तो मैं सुबह ना जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह होता है ऐसे ही बना लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ जो तैयार हो लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर क्रीम लगा रही हूँ, फेयर लवली की क्रीम लगाई है, क्योंकि मेरी जो ऑलमोस्ट क्रीम थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, और तो मैंने ये वाली मंगा ली। तो ये वाली भी काफ़ी अच्छी क्रीम लगी मुझे, और मैं इसको करीब 1 वीक हो गया इस्तेमाल करते करते, और आप देख सकते हो इतनी सारी वीडियोस में मेरी, मैंने ये वाली क्रीम को इस्तेमाल किया। तो मैं मेकअप थोड़ा ही मेकअप करती हूँ डेली में, आप देख आपके ही सामने ही सारा मेकअप करती हूँ, तो वो आप देख सकते हो बहुत ही हल्का मेकअप करती हूँ, बहुत ही लाइट मेकअप, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मतलब डेली में। और जो कभी कभी आप हैवी सा मेकअप करती हो ना, तो आप में ना चार चांद लग जाते, तो मैं डेली इतना ही मेकअप करती हूँ। एंड आपके साथ जब वीडियो वगैरह शेयर करना होता है, जैसे साड़ी वगैरह, साड़ी वेयर वाला, तो थोड़ा सा ज़्यादा कर लेती हूँ, लेकिन वैसे ऐसे ही करती हूँ। एंड तो यहाँ पे हमारा मेकअप डन हो गया। लिपस्टिक में लिपस्टिक को मैं यहाँ फिंगर से लगाई, क्योंकि लिपस्टिक भी मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, और ये वाली लिपस्टिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। ऑलवेज लिपस्टिक तो मुझे बहुत सारी हैं। मैं आपको यहाँ ना थोड़ी सी लाइट बहुत पड़ रही है चेहरे पे, थोड़ा सा बाहर जाके बात करती हूँ। इसकी सही तो अभी ना मैं कपड़े लेके आई थी नीचे से, तो पहले कपड़े डाल देती हूँ। कपड़े डालने के बाद आपसे थोड़ी सी बात करती हूँ, ठीक है? तो गाइस, यहाँ पे मैं कपड़े डाल देती हूँ। और ना पहले मैं जाया करती थी छत पे कपड़े डालने, आपने देखा ही था मैं छत पे जाया करती थी। तो अपना धूप अच्छी खासी होने लगी, जैसे कि नीचे ही कपड़े सूख जाते, एक बार में दो बार कपड़े डाल के सुखा सकती हो। तो यहाँ पे ना जो मेरे कपड़े ज़्यादा हैं, तो मैं एक बार साड़ियाँ को डाल दूँगी, और जो भी कपड़े हैं वो डाल दूँगी, जितनी जगह होगी यहाँ पर।
एंड इनको उतारने के बाद जब ये कपड़े सूख जाएंगे तो दूसरे कपड़े बचे हुए डाल दूंगी तो वो भी सूख जाएंगे। तो ऐसे कपड़े डाल देती हूँ जो सूख जाते हैं बड़े आराम से और ज़्यादा देर भी नहीं लगती और नीचे ना मुझे आराम भी लगता है थोड़ा सा कपड़े डालने में, धूप भी कम होती है और अच्छे से कपड़े भी पड़ जाते हैं एंड ऊपर भी जाना नहीं पड़ता है। तो मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं यहाँ पर डाल देती हूँ और कपड़े सारे सूख जाएंगे फिर उसके बाद। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े पड़ गए हैं एंड जो मेरा बेबी है ना वो ही बड़े परेशान कर रहा है वगैरह, मैं कपड़े डालूंगी और इतने ऊँचे पे कैसे आ पाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊँचा है तार। वो कहती है कि मैं भी कपड़े डालूंगी तो चारों तरफ ऐसे घूमी घूमी फिर रही है कि मैं भी कपड़े डालूंगी। तो जब भी वो कपड़े ले जाकर ना एक बरामदे में चारपाई पड़ी है उस पर कपड़े डाल रही है, बहुत ज़्यादा शैतानी है। देखिए आप पीछे से आवाज़ आ रही है, बोलती जा रही है। इसके लिए ना वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि यही कहती है कि हमारी वीडियो को लाइक करो तो लाइक करो। तो चलिए कपड़े तो गाइस कपड़े तो हमारे पड़ गए हैं, कपड़े पड़ने के बाद चलते हैं ऊपर। पौधों में पानी लगाना है तो मैंने सुबह ना पानी नहीं लगा पाई थी मैं, तो मैं बाल्टी में भर के पानी ले जा रही हूँ तो अब लगा दूँगी, पौधों में पानी लग जाएगा तो इसीलिए पानी ले जा रही हूँ बाल्टी में भर के, क्योंकि ऊपर टंकी तो है लेकिन क्या है ना पौधों में पानी लग नहीं पाता है, इतने ऊँचे पानी नहीं पहुँचता है। तो मैंने यहाँ पर मेरी बेबी भी लगा रही है पानी और मैं भी लगा रही हूँ, दोनों लोग पानी लगा रहे हैं, वो जरूर लगाती हूँ। बाल्टी से पानी इतना अच्छे से नहीं लग पाता है जैसे सुबह की, अगर टंकी आती ना तो लगा तो बहुत ही अच्छे से लगाए, लेकिन सुबह इतने सारे काम होते हैं तो हम पानी ना सुबह सुबह लगा ही नहीं पाते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं ये जो प्लांट है हमारा मिली प्लांट, इसके मैं दो तीन टहनी तोड़ लूँगी। जो हमारे नीचे वाला मिली प्लांट है जो मैं रूम में रखती हूँ वो और थोड़ा सा थोड़ा ना सूख रहा है, पता नहीं क्यों सूख रहा है, अदरवाइज मैं उसका पानी तो चेंज कर देती हूँ लेकिन वो ये वाले कुछ इसमें दो चार पत्ती रह गई हैं लेकिन इसका जड़ तो सही है लेकिन पत्ती दो ही चार रह गई है, तो इसमें दूसरा ये वाला टहनी लगा दूंगी और इसका भी ना टहनी अब सही हो गया है, इसमें पानी मैंने चेंज कर दिया तो इसका सही हो गया है। इसमें भी एक और लगा दी जैसे कि थोड़ा सा हरा भरा और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको ना पहले मैं वॉश करके लाती हूँ, पहले वॉश कर लेती हूँ लगाती हूँ। तो मैंने बाल्टी ले ली, जैसे कि ना बाल्टी में थोड़ा पानी भर के अच्छे से वॉश कर लूँगी। पत्तियाँ ना थोड़ी सी गंदी हो रही है क्योंकि ये प्लांट है ना मिट्टी में लगा था तो मिट्टी ऑलमोस्ट इसमें लग चुकी है और रूम में जब रखेंगे तो मिट्टी से साफ़ कर लेनी है मुझे। आप हाँ मैं आपके लिए यही कहूँगी जब आप रूम में अगर प्लांट वगैरह कोई भी लगाएं तो उसकी मिट्टी वगैरह साफ़ कर लें तो काफ़ी साफ़ साफ और अच्छा लगेगा। तो ये मैंने साफ़ कर लिया है, अब साफ़ करने के बाद मैंने बोतल का पानी भी चेंज कर दिया और पानी ना उसमें बिल्कुल भर लिया मैंने, तो अब इसको मैं लगा दूंगी और काफ़ी हरा भरा रहेगा। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ क्योंकि डेली की डेली थोड़ा गंदा हो जाता है क्योंकि जो हमें सामने की बाड़ी होती है दो डेली ही यूज की जाती है तो डेली ही गंदी हो जाती है, तो इनको इसलिए मैं साफ़ कर देती हूँ थोड़ा सा। उसके बाद मैं इसका क्लीनिंग कर दूँगी, झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। ये वाला इनका हेयर बैंड था इनने तोड़ दिया, बहुत ज्यादा अच्छा था जैसे इसमें ये बने ना ऐसे ही इसमें थे तो इन्होंने तोड़ दिया, मतलब बहुत अच्छे से अपने आप तोड़ के हमें छिपा के रख दिया। ऐसे करते हैं एंड आप मैंने रूम की कर दी क्लीनिंग, सफाई करने के बाद सामान झाड़ने के बाद थोड़ा सा गंदा हो गया तो उसकी क्लीनिंग कर दी, अदरवाइज मैंने सुबह ही क्लीनिंग की थी, थोड़ा सा और कर दिया और थोड़ा सा बाहर भी कर दिया और क्लीनिंग हो गया है मेरा सारा। और क्लीनिंग होने के बाद जरास में बिस्तर सही रखती हूँ और बेबी ना गंदा कर देता है, जरा में मतलब फैला देता है तो उसको मैं थोड़ा सा सेट कर दूँ और फिर थोड़ा बैठूँगी। तो मैंने तकिया वगैरह सेट कर दी, वो तकिया ही वगैरह जल्दी ख़राब करती है और कुछ नहीं। तो उसके बाद थोड़ा सा बैठ के आपसे बात करते हैं। सारा काम करती हूँ हल्का, मैं आपसे थोड़ा सा बैठी थी, मैं थोड़ा बैठूं और आपसे बैठ के थोड़ी सी बात करूं और उसके बाद मैं ज्यादा हूँ थोड़ी, मैंने सारा काम किया थोड़ी गर्मी ज्यादा लग गई, मतलब गर्मी है इतनी ज्यादा नहीं। फैन ऑन कर लिया मैंने, फैन ऑन करने के बाद मेरी थोड़ी सी आवाज शायद घर भर की आएगी पत्ती के साथ में, तो लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। और गाइस मैंने सुबह आपको बताइए मैंने सुबह ब्रेकफास्ट बनाया था वो, तो गाइस आज ना मैंने वैसे तो बहुत अच्छा बनाया था ब्रेकफास्ट अम्बावस है,
अम्बाबस को हमारे यहाँ मंदिर में थाली जाती है, खाना बनाते हैं अम्बाबस। सबसे पहले मंदिर में रहते हैं, फिर उसके बाद घर में हम भोग लगाते हैं और उसके बाद ही सब लोग खाते हैं। तो सुबह सुबह ना ऑफिस भी जाना था, तो मुझे टिकट पे करना था, इसी वजह मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में आपसे शेयर नहीं कर पाई। वैसे मेरा मन अभी भी बहुत है कि साइड में आपसे शेयर कर देती, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता। तो कोई नहीं, एंड मैं आप बनाने बनाऊंगी लंच, और लंच में भी मैं आज बहुत स्पेशल बनाने वाली हूँ, और आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। शेयर करूंगी नहीं, बिल्कुल शेयर करूंगी, मैंने तैयारी भी करी है उसकी, और बस आपके साथ शेयर करना है। तो गाइस, अगर मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक देना, शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। आपकी सपोर्ट ही बहुत जरूरी है, तो आप प्लीज मुझे सपोर्ट करो। मैं देख रही हूँ कुछ दिन से मुझे बिल्कुल डाउन हो गया है मेरा चैनल, जो मैं बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्लीज आप मुझे हेल्प चाहिए, मेरा चैनल बहुत ज्यादा डाउन है इस वक्त। इस वक्त क्या, अभी बीच में ही थोड़ा ही दो चार दिन में ही थोड़ा सही हुआ था, उसका फिर डाउन हो गया, लेकिन मेहनत में मेरे कहीं से भी कमी आई है, और वो आपको बताओ बिल्कुल कमी नहीं है। मैं ब्लॉग बराबर अच्छा शेयर कर रही थी, मैं सोचा लगता है आपको ब्लॉग मेरे पसंद नहीं आ रहे हैं, तो मैं उसके बाद आपके साथ वीडियोस करना शेयर कर दिया, और उन पे भी प्यार नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हुआ, यूट्यूब को कुछ हो गया, या फिर मैंने तो बहुत ज्यादा कर भी लिया, लेकिन सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। एक दिन तो मुझे रोना आ गया, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर थे वो भी बराबर कम होते जा रहे थे, और बढ़ भी नहीं रहे थे, तो मुझे रोना आ गया, मतलब रो आई थी मैं एक बार को। तो और बस आपका प्यार चाहिए, आप मुझे प्यार दीजिए अपना, और वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को इस ब्लॉग को जरूर लाइक करना, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और पसंद आएगा। और आज आपने देखा ही बाबू आ जाओ, ये इसमें आज आप एक बात है आपकी आना, मैं इनकी एक बात आपको बताऊँ अपनी बेबी की, और मतलब अपने आप आएंगी इधर घर, और हम बुला रहे हैं तो नहीं आना है, अपने आप आएंगी। और जल्दी मैंने भगाया नहीं आपको, मैंने थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डांट दो इनको, थोड़ा सा कुछ कह दो बस, आएंगे मदद करेंगे। हाँ बोलो, मैं चिल्लाया बोल रही हूँ पर, हाँ वही तो हमने ना चिल्लाया बोल रही हूँ पर। तो आज आज इन्हें पता है, यहाँ पे लिया है ताज़ा हरा मटर। अब इसको मैं जार में डाल के ना पीस लूँगी, जिससे कि अच्छा सा इसका एक पेस्ट बन जाएगा। ज़्यादा दर ज़्यादा मतलब हमें पीसना नहीं, ऐसा रखना है मतलब दरदरा सा, पानी नहीं मिक्स करना, बगैर पानी का करना है। और यहाँ पे दो चार ले ली हरी मिर्च, उनको कट करके हमने पेस्ट में डाल ली, एंड अब बेसन को डाल दिया, एक बाउली बेसन है। और इस बेसन को बेसन में अब हमें ऐड करना है नमक, तो नमक मैंने ऐड कर लिया, मिर्च ऐड कर लिया, स्वाद अनुसार आपको सब कुछ ऐड कर लेना है। और हल्दी चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं ऐड करें। एंड इसमें आपको ऐड करना है हींग,
तो मैंने हींग ऐड कर लिया और हींग ऐड हो गया हमारा हींग। अब हम बना लेते हैं प्याज का पेस्ट। तो हमने यहाँ पे प्याज लिया है और प्याज के साथ में हमें लेना है लहसुन, हमने लहसुन लिया है, अदरक लेंगे तो यहाँ पे चाहिए अदरक, तो मैंने एक अदरक ली है और कट कर लिया और धनिया ऐड कर लिया एंड इसको इसका बना लिया हमने मसाला। अब कर लेते तो हमने प्याज का पेस्ट को ऐड कर लिया। तो इस पेस्ट को हम जितना ऐड करना चाहें उतना ऐड कर सकते हैं और अगर कम करना चाहते हैं तो कम ऐड कर सकते हैं अगर हम। और उसके बाद हमने ऐड किया इसमें गरम मसाला। तो अब गरम मसाला बिल्कुल स्किप नहीं करें, इसमें ज़रूर ज़रूर गरम मसाला ज़रूर डालें, तभी जो स्वाद है ना बिल्कुल खुल के आएगा आपका। तो ये हमने हमारा बन गया, अब इसको हम कर लेंगे मिक्स। तो अब हम इसे हाथ से मिला लें, आप हाथ से ही मिलाएं, अगर स्पून वगैरह से मिलाओगे तो अच्छे से नहीं मिलेगा, तो हम इसे हाथ से अच्छे से मिला लें। अब इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा बधुआ, तो मैंने बधुआ लिया है, बधुआ ऐड कर लिया। अगर आपके पालक है तो पालक ऐड कर लें, आपके पास मेथी है तो मेथी को ऐड कर लें, लेकिन हमने यहाँ पर बधुए को ऐड किया। अब हमने एक जाली ली है, जाली में लगा लिया है तेल और इधर मैंने पानी गर्म होने रखा है, तो पानी हमारा गर्म हो गया। अब इसके जो हमने पेस्ट बनाया है उसके बना लेती हूँ हम हाथ से। तो इस तरह से इसके हमें हाथ से पतौड़े बना ले रहे हैं, जिस तरह से बनाते हो, जैसे कि आपने घुइये के बनाए होंगे घुइया के पत्तों को, तो उसी तरह से सारे पतौड़े हमने बना लिए इस तरह से इसके एक एक करके, तो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, आप भी ऐसे बना सकते हो। तो हमने इस तरह से लिया है पेस्ट हाथ में, जैसे कि आप देख सकते हैं इतना पेस्ट लिया है, थोड़ा सा पेस्ट और ले लूँगी। और पेस्ट इस तरह से लेने के बाद इस तरह से हाथ से करते हैं, इसको इस तरह से हाथ से किया एंड हाथ से करने के बाद इस तरह से ये बन जाएगा। और बनने के बाद हम इसको रख देंगे इस जाली में। तो एक एक करके इस तरह से मैंने सारे पतौड़े बना लिए इस तरह से, और इसमें लगाया था मैंने पहले ऑयल, अब इसको मैंने रख दिया इस भगोने में गरम, जिसमें मैंने पानी रखा था उसमें रख दिया। अब इसको हम एक प्लेट से कवर कर देंगे, बिल्कुल खुला हुआ, इसको बॉयल नहीं करना है आपको, इसको इस तरह से स्टीम करना है, जैसे कि आपने मोमोस वगैरह बनाए होंगे उसी तरह से इसको स्टीम कर लेना है। स्टीम हो गया तो हमारा, स्टीम होने के बाद हमने देखा है, आप ना इस तरह से किसी चाकू से देखे, जब आपके चाकू में नहीं चिपके या फिर किसी से, मतलब किसी से भी देख सकते हो, जब नहीं चिपकेगा तो आप समझें कि आपके इस तरह से पतौड़े बनके तैयार हैं। तो ये तैयार हो गए और इसको हमें गरम गरम नहीं उतारना है, गैस बंद करके इस तरह से ढक के रख देना है। तो हमने गैस बंद कर दिया, अब इसको हल्के हल्के ठंडा होने देंगे। तो इधर सेक लेते हैं हम रोटियाँ। और गैस बताऊँ तो आप देख ही रहे हो, वो पतीला एक तरफ रखा है तो उसे हमने ठंडे होने के लिए रखा है अभी, और अभी हम थोड़ी देर में उसको चेक करें। तो हमारे पतौड़े ठंडे हो गए, हमने निकाल दिए थे इनको ठंडे होने के बाद, बिल्कुल जब ठंडे हो जाए तभी आप इसको किसी चाकू वगैरह से कट करें, और गरम गरम होंगे अगर तब हम कट करेंगे तो अच्छे से नहीं कटेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा चिपकेंगे आपके चाकू में, नहीं अगर अच्छे होंगे तब भी चिपकेंगे, अगर अच्छे आपके बने होंगे तब भी चिपकेंगे। तो आप इसे ठंडे होने के बाद कट करें, देखिए बिल्कुल एक हाथ से मैं कटिंग कर रही हूँ, एक हाथ से कैमरा पकड़ी हूँ, कितने अच्छे से कट रहे हैं, जे भी नहीं किसी में सपोर्ट से बहुत अच्छे से सेप से काट रही हूँ बिल्कुल बगैर किसी सपोर्ट से, तो इस तरह से सीख गए हैं। अब मैं इसे तवे पर थोड़ा सा सेक लूँगी, अगर आप फ्राई करना चाहते हो तो किसी कढ़ाई में ले, तो मैंने एक एक करके यहाँ पे सही से सेट करके रखे एंड सीखते जा रहे हैं, तो उनको मैं पलटती जा रही हूँ। आप कढ़ाई में फ्राई कर सकते हो इसे, तो कढ़ाई में बहुत ही अच्छे लगते हैं, जब आप इसे चाय के साथ अगर खाते हैं सूखा अगर बनाते हो, तो इसे कढ़ाई में फ्राई करें बगैर किसी मसाले के साथ में, सिर्फ ऐसे ही सूखा फ्राई करें इसको। और मैं यहाँ पर इसको सेक रही हूँ, थोड़ा सा सीख जाएगा अच्छे से। अब देखिए ये जो सीख गए हैं तो इनको मैंने पलट दिया, तो इस तरह से आप पलटते जाएँ सेकते जाएँ, तो एक ही बार आपको ज़्यादा नहीं सेकना है, बस थोड़ा ही थोड़ा सेकना। तो ये सारे हमारे सिक्के तैयार हो गए इस तरह से, देखिए कितने अच्छे से सिक्के तैयार हुए हैं। अब तैयार होने के बाद हमें क्या क्या करना है, तो यहाँ पे जो हमने मसाला पेस्ट बनाया है उसमें मैंने नमक ऐड कर लिया स्वाद अनुसार, मिर्च ऐड कर लिया स्वाद अनुसार एंड हल्दी को ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने तेल कर दिया है कढ़ाई में ऐड, और इसमें मैंने कर दिया है मेथी का दाना ऐड, आप मेथी का दाना ही ऐड करें, अगर आप अदरवाइज़ कोई और किसी चीज़ का तरह तो इतना टेस्टी नहीं लगेगा। एंड जो हमने पेस्ट तैयार उसको ऐड कर दिया, प्याज का पेस्ट आपको मैंने दिखाई दिया, सब कुछ मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारा मसाला थोड़ी थोड़ी देर में हम देखते जाएंगे कि हमारा मसाला होता जाएगा। तो इस तरह देखिए हमारी मसाला अच्छी तरह से हो गया, तेल इसमें छोड़ दिया, तो इसमें पानी ऐड कर देना है, तो पानी हमने दो गिलास इसमें ऐड करें, इसके बाद हमें इस पानी को कवर करके रख देना, अभी हमें इसमें पतौड़े को ऐड नहीं करना है। बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छे नेक्स्ट